तो गाइस ये है ऑनर का ऑनर एक्स 9B। अगर मैं इस फोन के डिजाइन के बारे में बताऊं तो काफी ब्यूटीफुल, काफी प्रीमियम फोन का डिजाइन है। ये फोन ऑरेंज कलर के साथ आता है, बड़ा सा कैमरा मॉडल है। फोन को हाथ में पकड़ोगे काफी प्रीमियम लगेगा। अगर मैं फोन के डिस्प्ले की बात करूं तो इसमें तुम लोगों को 6.78 इंचेस की 1.5 के एमोलेड 120Hz की रिफ्रेश रेट वाला एक ब्यूटीफुल डिस्प्ले मिल जाता है। ये फोन 1200 निट्स पीक ब्राइटनेस के साथ आता है। अगर मैं मल्टीमीडिया की बात करूं तो तुम लोगों को काफी ब्यूटीफुल कलर मिलते हैं, काफी पंची कलर मिलते हैं, व्यू एंगल काफी अच्छा है, मल्टीमीडिया इसका एक्सेलेंट है। अगर मैं पोर्ट्स एंड बटन्स की बात करूं तो नीचे के साइड पे स्पीकर ग्रिल है, टाइप सी पोर्ट है, वॉइस रिकॉर्डर है, सिम ट्रे है, लेफ्ट साइड पे कुछ नहीं है, राइट साइड पे वॉल्यूम बटन एंड पावर बटन है, एंड ऊपर के साइड पे नॉइस कैंसलेशन माइक्रोफोन मिल जाता है। अगर मैं स्पेसिफिकेशन एंड परफॉर्मेंस की बात करूं तो ये फोन स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 के प्रोसेसर के साथ आता है। 5.5 लाख तक अंततः स्कोर निकल कर आ जाता है। तुम लोग इस फोन में हाई ग्राफिक्स के साथ एक अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस फील कर सकते हो। तुम लोगों ना कोई लैग का इशू आएगा, ना कोई हीट का इशू आएगा, एक अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस फील कर सकते हो। अगर मैं फोन की बैटरी की बात करूं तो ये फोन 5800 mAh की बैटरी के साथ आता है। इस पे तुम लोगों को 35 वॉट का फास्ट चार्जर मिल जाता है। अगर मैं कैमरे की बात करूं तो 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो है, 16 मेगापिक्सल की इसकी सेल्फी मिल जाती है। पिक्चर की क्वालिटी काफी बेहतरीन है, काफी ब्राइट है, काफी नेचुरल लगता है। पिक्चर आप लोगों के सामने है कि सेल्फी भी 16 मेगापिक्सल की है, सेल्फी भी इसकी काफी बेहतरीन है, स्किन टोन काफी अच्छा लगता है। डेफिनेटली इसकी पिक्चर्स तुम लोगों को काफी पसंद आने वाली है। अब आप लोगों को ये फोन कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।